कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर व कमेंट करें और मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करें। फ्रेंड्स, नवरात्रे आ रहे हैं, चैत्र के, कार्तिक के। हम नवरात्रों में माँ की उपासना करते हैं तो फलाहार करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ फलाहारी पेटीज, जो कि आपको बहुत ही एनर्जी देगी आप व्रत करने के लिए और बहुत ही टेस्टी लगेगी, सबको बहुत पसंद आएगी। आप चाहे तो इसे दही के साथ खाइए, नमक डाल करके, सेंधा नमक, या फिर आप इसके साथ हरी चटनी बना लीजिए व्रत वाली। ये फ्रेंड्स, मेरे स्टेप फॉलो करते हुए, मेरी वीडियो अंत तक देखते हुए आप ये पेटीज बनाइएगा। तो आइए हम इस तरह की टेस्टी पेटीज बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने 4 उबले हुए आलू ले लिए हैं और 2 टेबल स्पून हमने मूंगफली ले ली है। मूंगफली को हम एक पैन में डाल करके और थोड़ा सा भून लेंगे और छिलका निकाल लेंगे और आलूओं को हम कद्दूकस कर लेंगे। और ये आलू से और जितनी सामग्री से हम फलाहारी पेटीज बना रहे हैं वो पेटीज व्रत के लिए 2 से 3 व्यक्तियों के लिए बहुत होती है। अगर हमें ज्यादा बनानी हो तो हम सामग्री की मात्रा बढ़ा करके और ज्यादा बना सकते हैं। सारे आलू हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे आलू हमने कद्दूकस कर लिए हैं और अब हम ये आलू में 1 से 2 टेबल स्पून कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और स्वाद अनुसार सेंधा व्रत वाला नमक डालेंगे। हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून राजगरे का आटा डाल लेंगे। आप चाहें तो राजगरे की जगह सिंगाड़े का या कुट्टू का आटा भी डाल सकते हैं, बस हमें व्रत वाला आटा लेना है। और अच्छे से मिक्स करके सारी चीजों को और टिक्की के लिए, पेटीज के लिए डो तैयार कर लेंगे। ये आलू में आटा अच्छे से मिक्स करने के बाद में 1/2 छोटी चम्मच हम घी ले लेंगे और घी इसमें लगा करके और अच्छे से चिकना कर लेंगे ताकि ये हाथ के ना चिपके। इस तरह से हम थोड़ा सा इसका डो तैयार कर देंगे। ये देखिए अच्छे से घूम रहा है, अच्छे से सब चीज मिक्स हो गई है। थोड़ा सा घी लगाने से ये हाथ के बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। ये देखिए हमने परात को भी अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इसे 5-7 मिनट के लिए साइड में रख, हम ये इसमें आटा जो हमने मिक्स किया है वो आटा थोड़ा फूलता है, तब तक हम इसमें अंदर भरने के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। इसको हम साइड में रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मूंगफली को हमने भून करके इतना सा भूनना होता है कि छिलका के और छील के तैयार कर लिया है। अब हम एक मामदस्ता ले लेंगे और ये मूंगफली इसमें डाल के और दलदली कर लेंगे। साथ ही हम यहाँ 10-12 काजू ले लेंगे और काजू भी इसी में डाल लेंगे। दोनों को, मूंगफली और काजू को, दरदरा कर लेंगे, मोटा मोटा सा कूट लेंगे, बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटी हुई, 1/4 चम्मच या स्वाद अनुसार काली मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, 1/2 छोटी चम्मच नींबू का रस भी डालेंगे और 1/2 छोटी चम्मच या 1 छोटी चम्मच शक्कर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फलाहारी पेटीज के लिए स्टफिंग बन करके और तैयार हो गई है। अब हम स्टफिंग को साइड में रखेंगे। ये हमारा डो भी तैयार हो गया है पेटीज बनाने के लिए। हाथ पे अच्छे से थोड़ा तेल लगा लेंगे और पेटीज से को हमें जितने बनाने हैं इससे लगभग 5 से 6 पेटीज बन करके और तैयार हो जाएगी। तो हम इस तरह से हाथ में अच्छे से तेल लगा करके और इसको 6 हिस्सों में बांट लेंगे और अच्छे से हाथ पे तेल लगाएंगे और 1 पेटीज का लोया उठाएंगे, इस तरह से फैलाएंगे। और ये जो हमने स्टफिंग तैयार की है, ये 1 चम्मच स्टफिंग इसमें बीच में भर देंगे और इस तरह से चारों तरफ से उठाते हुए पैक कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से पैक कर लेंगे और एक प्लेट में हम नारियल का बुरादा, नारियल का चूरा ले लेंगे और इस चूरे में हम इस तरह से पेटीज को अच्छे से चारों तरफ से लपेट देंगे इस तरह से। ये पेटीज हम तैयार करके और इसी में इस तरह से रख लेते हैं। इसी तरह से हम ये सारे डो की पेटीज बना करके और तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी पेटीज बना करके तैयार कर ली है और स्टफिंग सिर्फ हमारी 1 पेटीज जितनी थोड़ी सी स्टफिंग बच गई है, बाकी स्टफिंग आराम से हमारी पेटीज में आ गई है। अच्छे से नारियल चूरा भी हमने लपेट दिया है। नारियल चूरा लगभग हम 3/4 कप या 1/2 कप ले लेंगे। एक पैन में हमने
घी गरम होने के लिए रख दिया है और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम किया हुआ है, ज्यादा तेज नहीं करेंगे और घी को भी मीडियम गरम कर लेंगे और एक एक करके हम ये पेटीज तेल में डाल लेंगे। एक्स्ट्रा नारियल चूरा है वो हमारे तेल में हट जाएगा, उसे हम बाद में छान के हटा लेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पेटीज को हम फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पेटीज एक साइड से फ्राई हो गई है। अब हम स्पैचुला की मदद से और चाकू की मदद से सावधानी से पेटीज को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पेटीज दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गई है। ये देखिए, अब हम इन्हें एक टिश्यू पेपर पे इस तरह से निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारी पेटीज फ्राई करके और तैयार कर लेंगे। हमें इन्हें सेलो फ्राई करनी होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फलाहारी पेटीज बन करके तैयार हो गई है। आप ये किसी भी व्रत में, ग्यारस में या नवरात्रों में बना करके खाइए। माता जी के जब हम उपासना करते हैं तो उसमें मूंगफली और काजू नारियल ये चीजें हम खाते हैं, तो ये बहुत ही एनर्जी देंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये फलाहारी पेटीज बनाइए, खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।